गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 7 इन हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 और 6 आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th century, the Indian society was suffering from social evil like caste system, untouchability, supervision of a woman, superstition, and many inhuman practices. The introduction of English education in India proved to be a blessing in disguise for the Indians. The English educated Indians developed independent and rational thinking. 19वीं शताब्दी के शुरू में जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी आदि, और इसमें महिलाओं का दमन और अंधविश्वास और बहुत सी अंधविश्वास की प्रथाएं प्रचलित थी। इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन से इंडिया में ये प्रूफ हुआ कि इंडियंस जो हैं वो डिस्गाइड हो रहे हैं, और जो हम इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे वो उन्होंने आगे चलकर बताया कि हम इंडिपेंडेंट और तर्कसंगत विचारों वाले हो गए। पोजीशन ऑफ वुमेन। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट ए सोसाइटी इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स एल्टीट्यूड टुवर्ड्स अ वुमेन। सोसाइटी treatment and attitude towards women is often a very good indicator or parameter of its level of the sophistication. The social reformer finally believed that there could be no meaningful social reforms without reforming the condition of women. They also firmly believed that a regeneration of the Indian society could take place only the rising the status of women and improving their developable condition. जो हमारे समाज में उस समय जो वोमेन की कंडीशन थी वो बहुत दयनीय थी, और ऐसा माना जाता था कि जो है सोसाइटी में जो लेडीज हैं उन्हें ऊंचाइयों पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब किसी उस समाज में औरतों को औरतों को सम्मान प्राप्त हो। सोशल रिफॉर्मर जो थे वो भी फाइनली उस बात पर बिलीव करते थे कि जो समाज का सुधार तभी हो सकता है जब हमारे समाज में महिलाओं की दशा का सुधार हो सके, और उन्हें उनका ऐसा मानना था कि यदि औरतें जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन सुधर जाएगी तो समाज की जो दशा है वो भी सुधर जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इविल। मैनी सोशल इविल शोड द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ द ह्यूमन इंडियन सोसाइटी। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू वुमेन। बहुत सी उस समय जो है सोशल इविल यानी कि सामाजिक बुराइयां थी महिलाओं के प्रति, जिनमें से कुछ हैं। नंबर वन, द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी एंड वर मैरिड ऑफ इवन व्हेन दे वर ए टेंडर एज। जो गर्ल्स थी उनको स्टडी करना अलाउ नहीं था और उनकी नाजुक उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। नंबर टू, द कस्टम ऑफ गिविंग डाउरी टू द ब्राइड ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज मेड द गर्ल चाइल्ड अनवेलकम इन द फैमिली। और ये रिवाज की दहेज प्रथा का जो रिवाज था इससे ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे वालों को मैरिज के समय दहेज दिया जाता था, जिससे कि कई लड़कियों का फैमिली में अनवेलकम यानी कि उन्हें दहेज कम होने के कारण उनका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। विडोज कुड नॉट रीमैरी, और जो विधवा महिलाएं थी उनको दोबारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। विडोज वर मोस्टली बर्न अलाइव ऑन द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर डेड हस्बैंड एंड फोर्स टू बिकम सती। और जो विधवा हो जाती थी उनको
फोर्स किया जाता था कि वो अपने मृत पति के शरीर के साथ ही अपने आप भी जल जाएं, और इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। Women's were financially weak as they could not earn their living and were dependent on men for their earnkeep. जो महिलाएं थी वो financially weak होती थी, उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह पुरुषों पर depend रहती थी। Women were also denied the right to inherit, और उन्हें किसी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। चेंज इन द पोजिशन ऑफ वुमेन। इन द 19th सेंचुरी द स्पिरिट ऑफ रेशनलिज्म, ह्यूमेनिज्म, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअलिज्म डोमिनेंट यूरोपियन थॉट थ्रू इंग्लिश एजुकेशन। मैनी इंडियंस बिकम फैमिलियर विद द वेस्टर्न आइडियाज। दे रियलाइज दैट ह्यूमन सबजेशन वॉज ड्यू टू देयर इन for a social status in a social system based on a long standing general gender basis favoring their male counterparts. Several social reformer felt that education was the first step towards women emancipation. They also believed that one major task for them as ruler was to civilize the country and literate its people from the social evil responsible for its backwardness. So they posed themselves as protector of Indian human women and passed many law to improve their status. Following the spread of Western education, they educate women like Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote and published treatises and monographs on the place of the human of place of woman in society. 19th सेंचुरी में जब तर्क संगत और मनुष्यों ने समानता का अधिकार यूरोपियन थॉट को स्वीकार किया, तो उन्हें यह लगा कि जो है लेडीज, जो महिलाएं हैं, उनकी भी, उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त थे हमारे इंडियंस, उन्हें, उन्होंने कुछ अच्छे वेस्टर्न आइडियाज को अपनाया और उन्होंने महिलाओं की हीन दशा को सुधारने का निर्णय किया। इसके बाद जो है हमारे देश में बहुत से ऐसे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया। इसमें से इसके लिए उन्होंने कई लॉ भी पास करवाए महिलाओं को के स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए, और वेस्टर्न एजुकेशन को चारों तरफ फैलाया जिससे कि महिलाओं का उद्धार। बहुत सी एजुकेटेड महिलाएं जैसे कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने बहुत से रोट पब्लिश किए, कुछ बहुत सी संधियां, मोनोग्राफ वुमेन के लिए सोसाइटी में पब्लिश्ड किए जिनसे उनका स्टेटस आगे बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन एंड रिफॉर्म्स। द सोशल रिफॉर्मर आल्सो बिलीव्ड दैट नो रिफॉर्म कुड बी एफेक्टिव अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज रिफॉर्म्ड। द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज मैनिफेस्टेड इन इवन लाइक इन फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेक्टिसाइड एंड द शेमफुल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज। जो बहुत सोशल रिफॉर्मर थे वो ऐसा मानते थे कि समाज का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं की दशा को का सुधार नहीं हो सकता। उनकी उस समय जो थी दयनीय कंडीशन थी, बहुत सी समाज में ऐसी बुराइयां थी जैसे कि चाइल्ड मैरिज, भ्रूण हत्या और विडोज का शेमफुल ट्रीटमेंट, जिसके कारण महिलाओं की दशा उस समय समाज में बहुत ही दयनीय थी। मूवमेंट अगेंस्ट सती। सती वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय टर्म्ड इनह्यूमन एंड बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट बैंडिंग सती। राजा राम मोहन रॉय चैलेंज दिस व्यू एंड आर्ग्यूड दैट ह्यूमन वर नॉट इंटेलेक्चुअली
inferior, but they were not given a fair opportunity to prove themselves. Due to his continuous efforts, Sati Pratha was declared illegal in 1829. पुराने समय में सती प्रथा भारत के बहुत से पार्ट में की जाती थी। राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने इसके इस सती प्रथा को बैन करने के लिए एक अभियान चलाया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचार प्रकट किए कि जो महिलाओं को बौद्धिक रूप से हीन समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रूव करने की समाज में इजाजत नहीं है, इसलिए ऐसी लोगों ने धारणा बना ली है। उनके अथक प्रयासों के कारण सन 1829 में सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रिविलेज इन डिफरेंट रीजन अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गर्ल्स वर ऑफ्टन मैरिड एट द एज ऑफ टू और थ्री व्हेन दे वर टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मैरिज मीन्ट। इट ऑल्सो पुट एन एंड टू द एजुकेशन दैट गर्ल माइट हैव बीन रिसीविंग। बिसाइड देयर हेल्थ गॉट अफेक्टेड एज देयर बॉडी वर नॉट रेडी टू बियर चिल्ड्रन एट सच एज टेंडर एज। चाइल्ड मैरिज जो है वो इंडिया में बहुत से जगहों पर की जाती थी। गर्ल्स जो थी उनकी एक दो या तीन साल में मैरिज कर दी जाती थी, जबकि वो शादी का मतलब भी नहीं समझती थी, और ना ही उनकी जो हेल्थ थी वो इस तरह की थी कि वो बच्चों नाजुक उम्र में बच्चों का बोझ उठा सके। इन 1860 द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल वॉज राइज टू 10 ईयर। इन 1891 द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट वॉज पास्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ नोटेड पारसी जर्नलिस्ट ब्रह्मजी मालाबारी। बाय द एक्ट ए गर्ल लीगली approved age for marriage was raised to 12 year, before which she could not be forced to have physical relation with her husband. The next act known as the Sharda Act 1929 increased the age of consent of 14 for females and 18 for males. In 1860 में जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 10 साल फिक्स कर दी गई, और 1891 में जो एक बड़ा एक्ट पास किया गया जो कि फारसी जर्नलिस्ट ब्रह्मजी मालावारी की मेहनत से हुआ था। उन्होंने जो है वो जो शादी की लड़कियों की उम्र थी उसे 10 साल से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, और उससे पहले कोई जो लड़कियां थी उन्हें उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकें। और उसके बाद 1929 में एक नया एक्ट आया, उसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों की 18 फिक्स कर दी गई। मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंडीशन ऑफ विडोज वॉज पिटेबल। इन बंगाल ईश्वर चंद विद्यासागर ओपनली सपोर्टेड विडो रीमैरिज। हिज एफोर्ट वर एप्रिकेटेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। पंडिता रमाबाई डेडिकेटेड हर लाइफ टू द कोर्स ऑफ वुमेन राइट। She set up a home for widow in Pune. Women were given vocational training there to help them to become independent. Widow remarriage, इसके लिए विडो की हमारे देश में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। बंगाल के ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसे खुले रूप से सपोर्ट किया, और उनके अथक प्रयासों और लॉर्ड डलहौजी की सहायता से और हिंदू वुमेन रीमैरिज एक्ट एक पास हुआ 1856 में, जिसके कारण उनकी जो दशा थी उसमें सुधार हुआ। पंडिता रमाबाई जो थी उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूना में महिलाओं विडो के लिए शेल्टर होम भी बनाए, और उन्होंने वहां पर उनको
जो है वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जिससे कि महिलाएं इंडिपेंडेंट बन सकें। एफर्ट टू चेंज वुमेन लाइफ, द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन गर्ल्स एजुकेशन वॉज द फाउंडिंग स्कूल इन कैलकटा, द हिंदू बालिका विद्यालय वॉज जॉन एल्टन ड्रिंक वाटर बैथरम, एज द प्रेजिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन ही मेड रेगुलेशन टू अट्रैक्ट मोर गर्ल स्टूडेंट, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकटा, दे बिलीव दैट द एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू एक्विपिट वुमेन्स फॉर रिबिल्डिंग द एंटायर वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे कि क्या चेंज हुए वुमेन्स की लाइफ में इन प्रयासों से। सबसे पहले गर्ल्स के लिए स्कूलों की स्थापना हुई। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था वो था कि गर्ल्स एजुकेशन का। हिंदू कैलकटा में स्कूल बना हिंदू बालिका विद्यालय, जो कि जॉन एल्टन ड्रिंक वाटर बैटन की ने उनकी स्थापना की थी, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे इंडियन एजुकेशन ऑफ काउंसिल के। उन्होंने अट्रैक्ट किया लड़कियों को अधिक से अधिक स्कूल आने के लिए। बेगम रोकिया शिखावत हुसैन जो थी, उन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। उनका ऐसा मानना था कि जो शिक्षा है उससे वो एक उपकरण है महिलाओं के लिए, जिससे वो अपनी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह सुधार सकती हैं। कास्ट सिस्टम, द हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू कास्ट एंड सब कास्ट, द हाई एंड लो कास्ट दैट गेव राइज टू इनइक्वलिटीज, द ब्राह्मण एट द टॉप एंड वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड व्हाइल द शूद्र वर एट द बॉटम ऑफ द सोशल लीडर, द कास्ट सिस्टम वॉज हार्मफुल टू द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री, देयर वर मैनी सोशल रिफॉर्मर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया विच ट्राइड टू एंड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से हमारा जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड थी, हाई और लो कास्ट थी, और इनके अलग अलग इसके कारण हमारे जो सोसाइटी थी उसमें समानता नहीं थी। ब्राह्मण जो थे वो टॉप पे आते थे और उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि जो शूद्र थे वो सबसे समाज की सबसे नीचे की इकाई थी। इससे जो ये इनइक्वलिटी समाज में फैली थी ये समाज की उन्नति में बहुत ही घातक थी, और इसके कारण जो थे समाज सुधारक उन्होंने कई भारत के पार्ट्स में इसको खत्म करने के लिए प्रयास किए। और लास्ट टॉपिक है फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। भीमराव रामजी अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू द महर कास्ट हुज मेंबर वर कंसीडरेबल अनटचेबल्स, ही बिगन हिज मूवमेंट बाय एस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकरणी सभा और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन, ही फाउंडेड मैनी जर्नल्स टू स्प्रेड हिज मैसेज, ही लेड हिज फॉलोअर्स इन मैनी नॉन वायलेंट कैंपेन टू अरेस्ट द राइट ऑफ द अनटचेबल टू एंटर टेम्पल एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स। इन 1942 अम्बेडकर फाउंडेड द ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विच कंपेन्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। भीमराव रामजी अंबेडकर जो जिनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जिनको कि अनटचेबल यानी कि अछूत माना जाता था, उन्होंने जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकरणी सभा या डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन। इन्होंने अपने मैसेज को कई जगह पर फैलाया और जो इनके फॉलोअर थे उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे को अपनाकर अपने अधिकारों को, जैसे कि इन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी या पब्लिक वेल से पानी भरने की इजाजत नहीं थी, इसको बंद कराने के प्रयास किए गए, यानी कि
अनटचेबल्स के अधिकारों के लिए लड़ाई की गई। इन 1942 में अंबेडकर जो थे उन्होंने एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया, जिससे कि अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग थे उनकी स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।